हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। आप तो पुराना वीडियो टीके फॉल्स वाला देखे होंगे, तो वहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर है। आप अगर टीके फॉल्स आओगे तो ये आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर भी घूम लीजिएगा, बहुत अच्छा जगह है। तो चलिए मैं वहाँ पर आपको घुमाने ले चलती हूँ। यहीं पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर मारथली से 31 किलोमीटर डिस्टेंस में है और यहाँ पे पहुँचने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये रहा एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री करेंगे। ये देखिए पार्किंग एरिया है। 2 व्हीलर का चार्जेस है 10 रुपीज़ और 4 व्हीलर का आइडिया नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं। ये बहुत बड़े एरिया में है तो मैं जितना कवर कर पाऊँगी आपको दिखाऊँगी। तो चलिए पहले तो मैप देख लेते हैं क्योंकि हम भी यहाँ पे नए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मैप। ये देख के चलिए पहले गुरुपादुका वनम जाएंगे। तो ये आ गए हैं गुरुपादुका वनम एरिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एरिया कैसा है। बहुत सुंदर एरिया है। देखिए फ्रेंड्स विशालक्षी मंडप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे एक मंदिर जैसा बहुत सुंदर बिल्डिंग है। ये है आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। वो अंदर ना मेडिटेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग जो आए हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर का हेड क्वार्टर है और यहाँ ये श्री श्री रविशंकर के द्वारा 1986 में बनाया गया है और बहुत सुंदर जगह है। चलिए अंदर लेके चलते हैं, वहाँ पे मेडिटेशन होता है, देखते हैं कैसा है। ये हमारे फोटोग्राफर फोटोशूट में बिजी हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो कर रहे हैं अभी। वो तो पूरा बिजी पर्सन है, मुझे तो देख भी नहीं रहे हैं। देखिए ये मैन यहाँ पे है, यहाँ पे आ गए हैं। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ये जगह। तो अंदर बंद है कि चल रहा है नहीं पता, अंदर जाके मैं आपको दिखाऊँगी कैसा है। और देखिए ये जगह बहुत अच्छा है। आप धूप है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या दिखा रही हूँ पता भी नहीं चल रहा है। बहुत धूप है। लेकिन जहाँ पे हाथ पहुँच रहा है सब खा लिए हैं। क्या करूँ? अरे यहाँ पे रहने के लिए और खाने के लिए फैसिलिटी है। खाना सबके लिए फ्री है, कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। और रहने के लिए ओनली आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के लोग ही यहाँ पे रह सकते हैं, बाहर के लोग नहीं रह सकते। चलिए चलते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। और लंच का टाइम हो गया है, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, पहले लंच कर लेंगे। तो चलिए डाइनिंग हॉल की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं करेंगे, कोई कुछ भी नहीं कहेंगे, आप आराम से यहाँ पे खा सकते हो। लंच में था राइस, सांभर, रोटी, चने का सब्जी और खीर था, बहुत टेस्टी था खाना। घूमते घूमते पूरा थक गए, एग्जिट करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से रास्ता ढूंढ के बाहर अभी आए हैं, अभी निकल जाएंगे, बहुत लेट हो गया है। और बहुत कुछ जगह घूमने के लिए है लेकिन उतना टाइम नहीं है घूमने के लिए, तो नहीं घूम सकते। पूरा फुल टायर्ड हो गए हैं, पैदल चल के घूमने के हालत में भी नहीं है। पूरा एक दिन में घूमने का जगह नहीं है, आपको टाइम लग सकता है यहाँ पर ना। पे अगर घूमना चाहते हो नवरात्रि और शिवरात्रि में ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बाहर से भी आते हैं।
बाप रे, हालत देखिए उनका। पूरा चलते चलते हालत बहुत खराब हो गया है, बैठ गए हैं यहाँ पे। कुछ प्लानिंग था फ्रेंड्स, लेकिन नहीं घूम सकते। बहुत प्लानिंग था लेकिन कहीं हालत में नहीं है, पूरा हालत ख़राब हो गया है घूमते घूमते। अभी निकल जाएंगे, बहुत ज़ोर से बादल किया हुआ है, बारिश भी स्टार्ट होने वाली है, अभी जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या किस्मत है, बाहर निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ पे एक घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया।